जम्मू चौस फोरम जो जम्मू कश्मीर यूटी के सभी उसाज़ा की नुमाइंदा तंजीम है, हमारे चेयरमैन श्री गणेश खजूरिया जी, हमारे यूटी के यूटी प्रेसिडेंट मोहम्मद अकबर खान साहब, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के सभी सीनियर लीडर्स, और आपको इस बात से हम बावर कराएं, हाल ही में जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने जो आइन मुरतब किया है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, कश्मीर प्रोवेंस में इलेक्शन बनाकर कराया, जिसमें मोहम्मद अकबर डार साहब और जावेद अहमद भट्ट साहब इलेक्शन में थे, और मोहम्मद अकबर डार साहब को टीचर्स ने जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के लिए कश्मीर प्रोवेंस में वाइस प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मुंतखब किया है। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम आइन के साथ साथ अपने मसाइल के साथ साथ यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और हमारा जो फर्ज मनसब भी है उस पर ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं। हाल ही में जो जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने महकमे तालीम के साथ मिलकर एनरोलमेंट ड्राइव के हवाले से बहुत बड़ी कामयाबी पाई है, अभी तक कश्मीर प्रोवेंस में ज़्यादातर 50,000 बच्चों से के अलावा हमारे स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया। हम यहाँ के वालदेन का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने एक बार फिर हमारे पे भरोसा जताया है। उसके साथ साथ जो उसाज़ा ने कोविड-19 में अपनी कारकर्दगी दिखाई उस पर भी सबको मुबारकबाद देते हैं, उसकी सराहना करते हैं। सरकार से हम ये गुजारिश करेंगे कि 2019-2020 में जैसे बच्चों का एनरोलमेंट ड्राइव हमारे स्कूल में बढ़ा, लेकिन किताबों की अदम दस्तियाबी की वजह से बच्चों ने कहीं कहीं पर फिर से एक बार प्राइवेट स्कूलों का रुख अख्तियार किया। इस साल हमारी यही तवक्को है कि किताबें बाहम रखी जाएंगी ताकि हमारे बच्चे हमारे स्कूलों से फिर से एक बार और कहीं ना भटके। हम यही उम्मीद करेंगे कि किताबें जल्द से जल्द हमारे लिए वहाँ पर अवेलेबल कराई जाएंगी। उसके साथ साथ एक और गुजारिश यह है कि सरकार ने हाल ही में एक सर्कुलर इजरा किया है जिसमें हर एक प्राइमरी स्कूल में और एलिमेंट्री स्कूल में किंडर गार्डन एस्टेब्लिश करने की बात की गई है। हम सरकार से ज़ोरदार मुतालबा ये करते हैं कि किंडर गार्डन को बराई नाम वहाँ पर सिर्फ बैनर या वहाँ के बोर्ड न बदलाए जाए, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हम बुनियादी तालीम को एक नया जामा पहनाने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए किंडर गार्डन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि हम दर्जा अव्वल से ही या नर्सरी से ही अपने बच्चों को उस लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं कि ताकि वो आगे किसी दुश्वारी का सामना ना करें। साथ जितने भी वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, हम सब कमिटेड हैं उन सभी साथियों की उन उमंगों के साथ जिसके लिए वो हमेशा कोशा रहते हैं। कुछ मसाइल भी हमें दरपेश हैं, जैसे अभी तक हेड टीचर्स और जो कन्फर्मेशन जो है जो साल 2014 से रुकी पड़ी है, हम ज़ोरदार मुतालबा करते हैं कि उनकी कन्फर्मेशन हो जाए। प्रमोशन ऑफ टीचर्स मास्टर्स अभी तक रुकी पड़ी है, जब हमारा महकमा बहुत ही मुश्किल का सामना कर रहा है, उसके हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो प्रमोशन ऑफ टीचर्स मास्टर्स है उसको भी मुकम्मल कर दिया जाए। और महकमे तालीम में आप देखेंगे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अभी भी हेडलेस इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ जहाँ पर भी वैकेंट पोस्ट है उन सभी को फिल कर दिया जाए। हमारा एक स्लोगन है चाइल्ड इज आवर प्रायोरिटी, हम बच्चे को तरजीह देते हैं, बच्चे पे ही फोकस करते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बुलाने का खास मकसद ये भी है कि नव मुंतखब प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद अकबर डार साहब, उनकी आज और सरमनी भी है, और आपको हम यहाँ पर यह बात भी बावर कराएंगे कि जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को आपके सामने ही पिछले साल मंजर आम पर लाया है, अपनी तंजीम को मुकम्मल करने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन की मुकम्मल तौर से पैरवी करते हैं। और जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम आज यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जिसे हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं, इलेक्शन कमीशन का भी ऐलान करेगी, और जो सबका इलेक्शन कमीशन है जो हमारे साथ उसके जो हेड बैठे हैं हरपाल सिंह पाली जी, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने निष्पक्ष तौर से मुनसफाना तौर से प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन मुनक़द कराए। चलिए आपने एक नई यहाँ पर वजाहत करूँ, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम रोज़ अव्वल से ही उसाज़ा की तर्जुमानी कर रही है, और यहाँ पर एक ही रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम है, और जो कई दहाइयों से उसाज़ा के मसाइल को लेकर काम कर रही है और उसाज़ा के तहत काम कर रही है। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम कोई नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कई दहाइयों से काम कर रही है, और जहाँ तक आपका कहने का सवाल है कि जो उसाज़ा को या जिन मुलाजमीन को बरतरफ किया जा रहा है, हम सरकार से एक गुजारिश करना चाहते हैं कि जब तक ना आप शो कॉज नोटिस दे दें, कम से कम ये तो बताएं कि वजह क्या है, और हमें मुतमिन करें, कम से कम उनके अहले खाना को मुतमिन करें और उस मुलाजिम को मुतमिन करें कि वजूहत क्या रही है। अगर डेडवुड की बात की जाए जा रही है, हम सरकार को उसमें बराबर यहाँ से कॉपरेट करेंगे, जहाँ पर भी आपको लगे कि कोई काम नहीं कर रहा है या आपको लगे कि कोई करप्शन में मुलवस है, हम भी अपने आवाम को और अपनी सोसाइटी को एक करप्शन फ्री सिस्टम देना चाहते हैं ताकि हम आवामी खिदमत पर खड़े उतर सकें। की वजाहत यहाँ पर करना चाहेंगे, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं डाइट्स या स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन
वहां पर एक सेल बाजार तो होती है जो किताबों का पहले रिव्यू कर रहे हैं, और इस हादसे की हमने पहले ही मजम्मत की है, और मजम्मत ऐसे हादसों की हम मजम्मत हर वक्त करते रहेंगे, और हमने जम्मू कश्मीर टीचर्स फॉर बशर नुमाइंदा तंजीम ने इसकी मजम्मत की, और हम कभी भी ये नहीं चाहते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से या किसी भी मसलक से ताल्लुक रखता हो, हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि किसी के जज्बात को इस तरह की ठेस पहुंचे। सर I will follow the rules, regulations, programs, and directions.